मेरा नाम कुसुमी हूँ, मायो सीमा एंटरप्राइज बता रहा है। इसमें गवर्नमेंट बीपीएल के लिए 3 मंथ्स का राशन फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। उसमें मैं अप्रैल से लेकर जून तक एक साथ में 3 महीने का मैं इशू कर रहा हूँ। जो नॉर्मल अप्रैल महीने का जो नॉर्मल होता है कैसे लग रहा है, अप्रैल महीने से जो फ्री का कोटा जो आ रहा है जून तक का, वो फ्री में हम डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है। 3 महीने का सब क्योंकि रखने से ये बहुत चूहा का भी प्रॉब्लम है, तो डैमेज होने का चांसेस है, इसलिए हम एक साथ में गार्डन खत्म करने के लिए। एपीए वाला तो कल अलग से को पूरा इशू कर दिया, आज से हो ये बीपीआर हो ये राशन वाला अलग से। जो एपीएल कैटेगरी में आता है उन लोगों का तो सिर्फ आप 1 महीना का इशू किया ना? हाँ, 1 महीना का दिया। वो जो एंटाइटल है वो 1 महीने का। अच्छा, तो उन लोगों को नेक्स्ट महीने में मिलेगा? नेक्स्ट महीने में वो शायद वो सप्लाई तो आगे का बात तो मालूम नहीं है, वो मिलना चाहिए। कल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सभी को बोला जा रहा है मास्क लगाकर लाइन में खड़े रहे। अभी जैसा बाजार में सारा दुकान बंद है और आदमी लोग राशन के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो अभी जैसा गवर्नमेंट का स्कीम आके जो 3 महीने के लिए वो लोग को राशन दे रहा है, तो उससे वो लोग का एटलीस्ट अभी राशन का तकलीफ से अभी राशन का अभी तकलीफ नहीं है, तो अभी कल से राशन दे रहा है। मैं लवर्ड फैमिली के मायू टू के सीनियर सिटीजन हूँ। मेरा नाम है रमेश लिंगी। आज हमारे भारत सरकार ने आम आदमी को या बीपीएल पार्टी या एवाई लोगों को राशन गवर्नमेंट ने राशन फ्री दिया है। आज यहाँ अपने जो डिस्टेंसिंग लाइन लगा के अपना तरीका से राशन ले रहा है, मैंने भी लिया है। पहले जो बीपीएल का 1 केजी में 3 रुपये थे, जो 3 रुपये में जो आपका जो 30 केजी में 90 रुपये दे करके लेके आते थे, लेकिन आज 3 महीने का 90 केजी का फ्रिज मिल रही है, तो इसलिए हमारा आम आदमी जनता को बहुत खुशी है। तो बहुत बहुत खुशी की बात है, हमारा आम जनता को कितना दुखी थी तो उसका भरपाई किया है गवर्नमेंट को, मैं उसको बहुत आश्वासन देता हूँ, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जो गांव के लोग हैं जितने भी जो है फार्मर्स है, काम करने के तो खाते हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी करने वाले तो चलो उसको चलता है, लेकिन जो आम आदमी दिन दिन जो हाजिर करके खाने वाला, इतना दिन से जो लॉकडाउन करके बहुत परेशानी थी, लेकिन आज हमारे गवर्नमेंट ने जब भी दिया है बहुत अच्छा लगा। और आगे जब तक ये लॉकडाउन चलते रहेंगे वही मदद मिलेगी, मुझे भी उम्मीद रखता हूँ।